Welcome you all in the video lecture series of C program. In this program, we will see how to print multiplication table of given number. So let's start the program. Hash include stdio.h hash include chromio.h void main, और यहाँ पर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे. फर्स्ट वेरिएबल num, जिसमें नंबर एंटर होगा. जिस नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है वो नंबर हम यूजर से एंटर करवाएंगे. फिर मुझे वेरिएबल लगेगा i फॉर लूप. दिस इज लूप कंट्रोल वेरिएबल. ओके, सो clrscr for clearing screen, printf, enter any number slash n, scanf, percent d, ampersand num. तो multiplication table अगर print करना है, so if you multiply the number with 1 to 10, तो आपको उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल जाएगा. तो यहाँ पर हम और एक वेरिएबल लेते हैं res टू स्टोर ए रिजल्ट. और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस. और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू num इनटू i. तो जब i की वैल्यू 1 रहेगी, सपोज आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, तो यूज़र से आप 5 एंटर करवाओगे. जब i की वैल्यू 1 रहेगी तो ये num इंटू 1, मतलब 5 इंटू 1, 5 रिजल्ट में आएगा, वो प्रिंट होगा. तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन कॉमा आर ई. जैसे ही i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो आपका नेक्स्ट कैलकुलेशन जो रहेगा 5 इंटू 2 फॉर i इक्वल्स टू 3, 5 इंटू 3 एंड सो ऑन. सो एट द एंड यू विल गेट मल्टीप्लिकेशन टेबल. सो गेट सी एच विल होल्ड द स्क्रीन फॉर आउटपुट. ओके, इस प्रोग्राम को हम देखते हैं रन करके. लेट मी सेव दिस. proc27.c compile run enter any number 5. So this is multiplication table of 5. दोबारा इसको run करते हैं. अगर आपको 15 का multiplication table print करना है, so yes, this is the multiplication table of 15. बहुत ही simple logic है. 1 से लेके 10 तक आपको लूप को एग्जीक्यूट कराना है और नंबर को आपको i के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को स्टोर करना है और प्रिंट करना है. तो ये टास्क आपको लूप के अंदर करना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.